हेलो दोस्तों आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यस मैथमेटिक पाठशाला में तो आज हमारा जो एलजेब्राज फुल टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें जो लेक्चर नंबर फोर स्टार्ट होगा ठीक है जिसमें आपको आज 125 क्वेश्चन पूरे कवर कर लिए जाएंगे तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है हाँ और जो भी अगर हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं टेस्ट सीरीज जो टी जी टी पी जी टी एग्ज़ाम्स के लिए है टी जी टी एंड पी जी टी एग्जाम्स ठीक है किसी भी टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की हो किसी भी स्टेट्स की हो ठीक है आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं और उससे आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं ठीक है तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन है एक सेकेंड जी ये ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में कराया था और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का ठीक है देखते हैं इसको क्या करना है हमें देखो ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में आपसे पूछा है जो ए प्लस बी गिविन है और ए माइनस टू बी है और हमें फाइंड करना है ए तो सिंपल सा फंडा एक ही होगा कि हमें ए फाइंड करना है हमारे पास इधर देखो सिंपल वो वाली तो हम उधर कर ही लेंगे पहले जो एल में है ना दोनों का उसको देखिएगा तो हमें निकालना है क्या ए निकालना है तो ए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बी को कैंसिल करना पड़ेगा तभी तो ए निकलेगा तो हम क्या कर लेते हैं बी को कैंसिल कर लेते हैं और बी को हमें कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई बी को कैंसिल करने के लिए जो हमारी ये वाली मैट्रिक्स है ना इसमें हमें दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और दो से मल्टीप्लाई करके अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या होगा ये वाला जो मैट्रिक्स रहेगा ये टू बी से टू बी कैंसिल हो जाएगा तो टू ए और प्लस ए कितना हो जाएगा भाई थ्री ए और इस साइड में भी हम यही करेंगे कैसे करेंगे वो चीज़ समझ लीजिएगा उसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये a प्लस बी है इसमें किससे मल्टीप्लाई करना दो से मल्टीप्लाई करना है तो देखो जब मैं इसमें दो से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होने वाला है दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टू जीरो टू टू हो जाएगा ठीक है और इसमें ये वाला जो ये वाला जो था उसको सिंपली क्या कर दिया था एड कर दिया था तो एड करने के लिए माइनस वन वन जीरो माइनस वन अब इसको ऐड कर लिए टू और माइनस वन कितना बचेगा वन जीरो वन वन हो जाएगा ये टू हो जाएगा और ये वन हो जाएगा और इधर हमारा थ्री ये चल रहा है उसके बाद में जैसे ही ए निकालेंगे तो थ्री किस में चला जाएगा डिवाइड में वन अपॉइन थ्री आएगा वन अपॉइन थ्री सभी के साथ भेज देंगे तो बाई वन बाई थ्री वन बाई थ्री टू बाई थ्री एंड वन बाई थ्री तो इस तरह से ये जो हमारा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो इस तरह से ये ऑप्शन नंबर हमें वन करेक्ट लग रहा है ए वाला ठीक है तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा देखिए और वीडियो का क्वालिटी किस तरह से आ रहा है एक दो दिन से वीडियो को क्वालिटी थोड़ा खराब हो गया है चलो बाकी वेस्ट करते हैं अगला ये क्वेश्चन समझिएगा आप देखो इस चीज को समझिएगा यहां पे लिखा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के लीनियरली डिपेंडेंट लीनियरली डिपेंडेंट जब भी देखो वैक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो इक्वल टू क्या होता है जीरो होता है अगर नौ, अगर यहीं पर एल एल डी की जगह एल आई दिया होता है तो रैंक हमारी किसके बराबर होती है नंबर ऑफ अनोन्स के तो वहां पर डिटर्मिनेंट्स को हम जीरो नहीं कर सकते थे यहां पर एल डी दे रखा है तो डिटर्मिनेंट्स को जीरो कर सकते हैं तो क्या है टू वन वन सॉरी देखेंगे पहला कितना लिखा हुआ है ये जो हमारा दे रखा है इसको हम डिटर्मिनेंस को ये भी जो भी हमारा यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है इसको इक्वल टू क्या कर लेना जीरो कर लेना है के थ्री वन एंड टू के एंड जीरो इक्वल टू जीरो इसको सिंपली सॉल्व कर देंगे क्या ले लेंगे वन तो वन अगर मैं लेता हूँ तो इसके साथ ये कितना आ जाएगा जीरो और माइनस का के सेकेंड आ जाएगा मेरे भाई नेगेटिव यहाँ से करेंगे तो जीरो और इससे इसका करेंगे तो हो जाएगा माइनस का टू और प्लस का वन और वन से जैसे करो के इन टू के के स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का थ्री टू जा सिक्स हो जाएगा और इक्वल टू में कितना आ जाएगा जीरो तो यहां से आ गया माइनस के प्लस का फोर और प्लस के स्क्वायर माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो ठीक है ये आ चुका है तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन बनने वाली है के स्क्वायर माइनस का के और माइनस का टू इक्वल टू जीरो ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है अब हम क्या कर लेंगे इसके फैक्टर कर लेंगे फैक्टर करके देख सकते हो या यहाँ पे इसके वैल्यू को रख के देख सकते हो बट ये सभी क्लोज वैल्यू हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम भी होगा कि कौन सा चेक करना है चलो हम कर लेते हैं वैल्यू रख के चेक कर लेते हैं मान लो अगर मैंने पहला ऑप्शन दो चेक करा अगर दो करूँगा तो भाई कितना हो जाएगा चार ये कितना हो जाएगा माइनस दो माइनस दो इसका मतलब है के इक्वल टू टू तो ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए हमारे ठीक है उसके बाद अगर माइनस वन रख के देखता हूँ तो माइनस वन से क्या हो जाएगा ये माइनस वन का स्क्वायर वन हो जाएगा और ये माइनस वन प्लस वन हो जाएगा और ये माइनस दो तो इसका मतलब है पहले ही ऑप्शन सही हो जाएगा आप यहाँ से फैक्टर भी कर सकते थे और यहाँ से बैलू रख के भी चेक कर सकते थे ठीक है क्योंकि प्लस वन रखोगे तो कभी भी ये सेटिस्फाई नहीं होगा तो इसलिए ऑप्शन से हमने चेक कर लिया अगला क्वेश्चन देखते हैं जी ये क्वेश्चन बहुत स्पीड में करने हैं आपको क्योंकि टाइम कम होता है तो उसी स्पीड से आप रिवीजन भी करेंगे ना तभी आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे आप रिवीजन बहुत हल्के हल्के करेंगे तो वहाँ पे आपकी स्पीड कम हो जाएगी तो आप रिवीजन करते समय भी अपनी स्पीड को उसी हिसाब से रखिएगा कि दो घंटे में एक क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करना है ठीक है अब यहाँ पे लिखा है इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पूछी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी ठीक है सिंपल सा देख लेते हैं डिटर्मिनेंट यहाँ लिखा हुआ है इसको सिंपली क्या करते हैं देखो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही होगी यहाँ पे देखो ये ए बी सी हर रो में ए बी सी दिख रहा है हर रो में ए बी सी दिख रहा है तो आप क्या करो तीनों रो को ऐड कर दो मतलब तीनों कॉलम्स को ऐड कर दो रो को ऐड करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ठीक है नहीं रो भी ऐड कर सकते हो कॉलम भी ऐड नहीं रो में हाँ रो भी ऐड कर सकते हो कॉलम भी ऐड कर सकते हो दोनों से बन जाएगा तो सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री किसी एक रो कॉलम में लिख दो तो पहले में देखो ए प्लस सी प्लस बी प्लस एक्स निगेटिव है तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स सभी में ये आ जाएगा पहले कॉलम में आप चेक कर सकते हैं ठीक है माइनस एक्स सेकेंड में यहाँ पे क्या है सी वी माइनस एक्स एंड ए और थर्ड है बी ए एंड सी माइनस एक्स ओके आगे चेक कर लेते हैं इक्वल टू में जीरो चल ही रहा है अब ये सभी रो से कॉलम कॉमन आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स इसको कॉमन करेंगे तो ये वन 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 हो जाएगा सी बी माइनस एक्स एंड ए और ये बी ए एंड सी माइनस एक्स देखो पहला हमारा टारगेट होता है वन बनाना और जैसे ही वन बन जाता है तो एक दूसरे से माइनस करके उसको जीरो बना लो देखो इक्वल टू यहाँ पे जीरो है अगर मैं इस ब्रेकेट को जीरो रखूंगा या तो इसको जीरो रखूंगा और ये क्वेश्चन में पहले ही बोल रखता है इक्वल टू क्या है जीरो है तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो है ठीक है तो यहाँ से कितना आ जाएगा एक अगर मैं बात कर लूँ ए एक्स की वैल्यू यहाँ से एक तो ये डिटर्मिनेंट जीरो होगा और एक इसकी खुद की वैल्यू जीरो होगी ठीक है तो यहाँ से आइए कर लेते हैं तो एक्स ये उस साइड जाएगा इसको जीरो करेंगे तो ए प्लस बी प्लस कितना हो जाएगा सी और ए प्लस बी प्लस सी भाई कितना है जीरो है तो एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी जीरो निकल के आ जाएगी ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है यही से सॉल्व हो जाएगा उसको क्यों सॉल्व करोगे ठीक है तो क्या रिजल्ट आ जाएगा आपका जीरो रिजल्ट आ जाएगा क्लियर है अगला क्वेश्चन देखते हैं ये ये बहुत थोड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ऑप्शन आने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है ठीक है तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिएगा सभी में दे रखा एक्स प्लस टू 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 एक्स टू टू सभी में एक जैसा है तो वही काम करेंगे सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री तीनों कॉलम्स को जोड़ के पहले कॉलम में लिख देंगे तो दो प्लस दो प्लस दो कितना हो जाएगा छः हो जाएगा ठीक है तो एक्स प्लस छः सेकेंड में एक्स प्लस छः और यहाँ भी कितना हो गया एक्स प्लस छः तो यहाँ बचा दो एक्स प्लस दो और ये दो ठीक है और ये दो दो और एक्स प्लस दो क्लियर है भाई एक्स प्लस छ कॉमन कर लेंगे तो वन 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 आ जाएगा फर्स्ट कॉलम में और एक्स प्लस टू और ये आ गया टू और ये हो गया टू टू और एक्स प्लस टू तो क्या करेंगे फटाफट -फड़ वही हमारा काम रहेगा एक तो एक्स तो एक इक्वल टू माइनस छः हो जाएगा क्योंकि एक तो इसको जीरो करोगे तो एक वैल्यू तो एक्स इक्वल टू माइनस छ यहाँ से आ रही है इसको x प्लस छः को अगर मैंने जीरो किया क्योंकि यहाँ पे हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती जहाँ से आंसर निकल जाए x इक्वल टू माइनस छः दो ऑप्शन में नहीं है तो ये दो ऑप्शन क्या हो गए गलत हो गए ठीक है ये दो ऑप्शन क्या हो गए भाई गलत हो गए तो अब ये दो ऑप्शन बचे इन दो ऑप्शन में थोड़ा क्लोज है थोड़ा देख लेंगे सॉरी एक्स इक्ल टू माइनस छः हाँ एक तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है ठीक है अब एक्स इक्ल टू अगर मैं टू की बात कर लूँ चलो अभी और थोड़ा निकाल के चेक कर लेते हैं तीसरा ऑप्शन क्या आ रहा है इसको थोड़ा जैसे ही सॉल्व करेंगे तो इससे इसको माइनस कर दो ये मैंने हटा दिया उसकी जगह से माइनस चाहिए इससे इसको माइनस करूंगा तो कितना हो जाएगा क्या करते हैं आर वन माइनस आर टू कर लेते हैं आर वन माइनस आर टू तो आर वन से आर टू माइनस करेंगे आर वन में लेकर जीरो इसमें से घटाएंगे माइनस एक्स इसमें से घटाएंगे जीरो क्लियर इससे इसको घटा लो आर टू माइनस आर थ्री जीरो इससे इसको घटाएंगे तो ये एक्स हो जाएगा और इससे इसको घटाएंगे तो ये माइनस का एक्स आ जाएगा क्लियर है आगे अब यहाँ से वन और टू और ये हो गया एक्स प्लस टू इसको हमें क्या कर लेना है ओपन कर लेना है सिंपली और ये एक्स से ही ओपन होगा तो ये बाहर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों एक्स और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे ये आएगा और इधर से ये आएगा तो इधर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का टू एक्स और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो हो गया माइनस का टू एक्स और इक्वल टू में क्या हो गया जीरो क्लियर है तो यहाँ से हमारा ए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ठीक है ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा क्योंकि इधर से माइनस और ये माइनस तो हमारा हो गया माइनस एक्स और यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का फोर एक्स क्लियर है तो यहाँ से ए जो हमारा निकल के एक बार और चेक कर लेता हूँ कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है ठीक तो इससे इसको माइनस किया ज़ीरो इससे इसको माइनस किया माइनस एक्स और इससे इसको किया जीरो ठीक है इससे इसको करेंगे तो भी जीरो आ जाएगा और इससे इसको करेंगे तो एक्स आ जाएगा और इससे इसको करेंगे तो माइनस एक्स वन टू ठीक है तो अभी ये करेंगे तो ये पहला जीरो और अच्छा सेकेंड वाला कर रहे हो कि हाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है वही मैं मुझे अभी लग भी रहा था क्या मिस्टेक हुई है वो चीज़ देख लेते हैं फटाफट देखो अभी सेकंड वाला ले रहे हो ना तो सेकंड नेगेटिव में होता है देखो पहला तो जीरो है ऑलरेडी अब सेकंड वाला नेगेटिव होता है तो ऑलरेडी ये पॉजिटिव हो जाएगा अब ये लोगे ना तो इससे इसका जो मल्टीप्लाई करोगे भाई ये जीरो होगा और इससे इसका मल्टीप्लाई प्लस का एक्स होगा क्लियर ठीक है अगले वाला फिर जीरो है तो इक्वल टू में जीरो तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो अर्थात एक्स की वैल्यू क्या आ गई जीरो का जीरो तो दो जीरो जीरो आ गए और एक वैल्यू आ गई थी माइनस सिक्स तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन मैंने बहुत सारे सॉल्व कराए थे देखो इस क्वेश्चन की एक यूनिक टेक्निक बताता हूँ मैं जैसे आपने देखिए देखिएगा जब आपको समझ में आएगा कैसी यूनिक टेक्निक की बात करता हूँ अगर मैं इसका ठीक है क्रशिस्टी इक्वेशन लिख लेता हूँ तो क्या आ जाएगी हमारी ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ डाइगोनल एलिमेंट कितना हो जाएगा माइनस तीन प्लस एक माइनस तीन प्लस एक माइनस दो और माइनस फार्मूले में होता तो ये टू हो गया और इन टू क्या होता है प्लस का होता है डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट हो जाएगा इसके अगर मैं बात करूँ तो माइनस का तीन और इधर मैं गुणा करूंगा तो हो जाएगा चार धूनी आठ माइनस का आठ तो ये हो गया माइनस का ग्यारह तो डिटर्मिनेंट हो गया माइनस का ग्यारह इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस का ग्यारह माइनस का ग्यारह आई इक्वल टू हो गया जीरो और हमसे ये जो वैल्यू निकलवा रहे हैं वो ए स्क्वायर प्लस का फोर ए माइनस का फाइव आई निकलवा रहे हैं तो यही बना लेते हैं तो ए स्क्वायर देखो ये फोर मांग रहे हैं तो फोर करने के लिए हमें टू एड करना पड़ेगा क्लियर है तो इधर हमारे लिए टू एक्स्ट्रा हो गया अब ये माइनस का ग्यारह है हमें पाँच चाहिए तो पाँच यहीं छोड़ दीजिएगा ठीक है प्लस का जो माइनस छः होगा उसको इधर ले लीजिएगा क्लियर है तो बस अब इसकी वैल्यू आप ये निकाल लीजिएगा केस खत्म नहीं तो आपको बहुत लंबा सॉल्व करना पड़ता आपको अल, अलग से अगर ये होता ये तो सारे कर लेते हैं बट अगर ये निकालना है तो देखिएगा आपको एक यूनिक टेक्निक बता दी है मैंने आप इतना क्वेश्चन करने से बच जाएंगे अब टू ए टू ए का मतलब क्या हो गया भाई ये दो दो हो गया तो दो और ये चार और ये आठ और ये माइनस का छः आइडेंटिटी का मतलब छः जीरो जीरो छः आप चाहते तो ओरली भी सॉल्व कर सकते थे छः में से दो जाएगा तो माइनस का चार हो जाएगा और ये वाला कितना आ जाएगा इससे ये घटाएंगे चार आठ से जीरो जाएगा तो आठ और छः से ये छ माइनस का छः तो ये हो गया माइनस का एक सेकेंड इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं क्या बनने वाला है टू ए एक चीज यहाँ पे टू ए तो कितना हो जाएगा टू से करेंगे तो माइनस का छः हो जाएगा और माइनस का करना था ये छः ठीक है तो ये तो हमारा छ हो गया और ये माइनस छः तो ये होने वाला है बारह अच्छा इसके दो ऑप्शन गायब हो गए हैं इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम लग रही है तो इसका रिजल्ट इस तरह से आ रहा है लगता है मैं चेक कर लेता हूँ इसके ऑप्शंस को एक बार अच्छा अच्छा एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा क्या समझिएगा क्योंकि जब माइनस का छः इधर भेजा था ना तो ये प्लस का हो जाएगा और जैसे ही प्लस का हो जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा तो छः और दो तो थोड़ी सी यहाँ पे ये यह मिस्टेक ध्यान से समझना भाई बाकी तो सब कुछ मेथड यही रहेगा तो छः दो कितना हो जाएगा आठ और ये कितना बचेगा चार और ये यह यहाँ पे कितना हो जाएगा आठ और छः में से छः जाएगा तो कितना हो जाएगा जीरो तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा तब भी आपको देख रहे हो ना आसान तो हो गया ना क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो कैलकुलेशन मिस्टेक था बाकी आपको समझ आ रहा होगा ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं सारे क्वेश्चन खत्म करने भाई आज की वीडियो में देखिएगा यहाँ पे आपसे क्या पूछा है इन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है देखो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रखा है डिटर्मिनेंट इज जीरो मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है जीरो है किसके लिए जीरो होगी एवरी वैल्यू ऑफ इक्वल टू वन इक्वल टू जीरो एंड वन ओनली ठीक है तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम तो सॉल्व करेंगे तो हमारा वन आएगा और वन से इसका मल्टीप्लाई करेंगे ए और इधर भी कितना हो जाएगा ए और ये ऑलरेडी दो जीरो हैं अब देखो ए की वैल्यू कुछ भी होती है ए की वैल्यू कुछ भी होती क्योंकि ये सेम माइनस सेम हो रहा था तो सेम माइनस सेम तो कुछ भी हो दो हो चार हो छ हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता यहां पे, तो ये कितना जीरो और दो तो ऑलरेडी जीरो है तो जीरो इक्वल टू कितना हो जाता जीरो हो जाता कब जीरो होता ए की किसी भी वैल्यू के लिए ये जीरो हो सकता था आगे कुछ हमें चेक करने की जरूरत नहीं है अगला क्वेश्चन देखते हैं देखो इस क्वेश्चन को समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है हाँ इसमें आंसर्स में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है ये ठीक है तो ये दिया हुआ है हमारे पास एक डिटर्मिनेंट तो सभी में देख लो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी तो सभी को क्या करो सारी कॉलम्स को ऐड कर दो सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री पहले कॉलम में लिख सकते हो इसको तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी ठीक है तो देखो ये सभी में आने वाला है ठीक है एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी आएगा क्लियर है अब क्या करते हैं ये हमारा बी है ये एक्स प्लस बी है और ये बी है और ये सी है सी है और ये एक्स प्लस सी है क्लियर है इक्वल टू में क्या जीरो अब देखो एक चीज मैं आपको डायरेक्ट बताना चाहता हूँ यहाँ से एक चीज़ समझिएगा कि एक्स प्लस ये ये तो कॉमन आएगा और कॉमन आने के बाद हम इसको क्या करेंगे जीरो करेंगे क्लियर है तो एक्स की एक वैल्यू तो हमारी माइनस ए प्लस बी प्लस सी आ चुकी है क्लियर है तो ऐसा किस किस ऑप्शन में है ऐसा ये ऑप्शन कटेगा ये ऑप्शन कटेगा अभी ये दो ऑप्शन बचे हुए हैं क्या पता जीरो भी रिजल्ट आ सकता है तो बचे हुए को जैसे ही मैं सॉल्व करूंगा ये सब क्या बचा होगा भाई इसकी जगह क्या बचा होगा बन 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 बचा होगा क्या बचा होगा वन 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 बचा होगा तो मान लो आर वन से मैंने आर टू को माइनस किया और आर वन में लिखा तो सेम से सेम माइनस होगा जीरो इससे इसको माइनस करूंगा तो माइनस का एक्स और इससे इसको माइनस करूंगा तो ये भी जीरो सेम फिर इससे इसको माइनस करूंगा आर टू माइनस आर थ्री आर टू माइनस आर थ्री करूँगा जीरो और यहाँ से बचेगा एक्स और यहाँ से बचेगा माइनस का एक्स थर्ड जो है ये वन बचेगा बी बचेगा और ये बचेगा एक्स प्लस सी ठीक है तो ये बच चुका है हमारे पास अब यहाँ से जैसे ही मैं ओपन करता हूँ ये माइनस का एक्स सेकेंड वाला है तो सेकेंड वाला ऑलरेडी माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स क्लियर और इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का बी एक्स इक्वल टू में कितना आ चुका है जीरो आ चुका है तो यहाँ से एक वैल्यू आपको देख रहे हो एक वैल्यू यहाँ से क्या मिल रही है ये एक्स कॉमन आ चुका है और एक्स बाहर है तो एक्स इक्वल टू भी जीरो रखना पड़ेगा तो एक्स इक्वल टू भी जीरो भी आ चुका है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ठीक है नया क्वेश्चन देखते हैं समझ में आ रहा है इसको सॉल्व करने की क्या जरूरत भाई इन सब में एक्स कॉमन आ तो रहे अगला क्वेश्चन देखते हैं ये हाँ थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था इसको समझिएगा ये टेस्ट सीरीज में थोड़ा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन था इसमें लिखा था कि ए एंड बी टू मैट्रिस हैं जिसमें ए प्लस बी एंड ए इंटू बी आप कोई भी मैट्रिक्स है जिसका दोनों मैट्रिक्स एड भी हो जा रही हैं और दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई भी हो जा रही है एक चीज़ समझिएगा तो ऐड होने के लिए एड मैट्रिक्स जब भी हो सकते हैं जब ऑर्डर कैसा होना चाहिए ऑर्डर सेम होना चाहिए ऑर्डर कैसा होना चाहिए सेम होना चाहिए अगर ऑर्डर सेम होगा तो मैट्रिक्स ऐड हो जाएंगी अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकती क्लियर है क्या ऑर्डर सेम होने से मल्टीप्लाई की मतलब ऑर्डर जैसे मान लो मैंने टू क्रॉस थ्री ले लिया एक मैट्रिक्स का और दूसरी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर मैंने टू, टू क्रॉस थ्री ले लिया तो ये पहले का कॉलम और सेकंड का रो इक्वल नहीं हो सकता है तो इस वजह से हर इक्वल मैट्रिक्स जिनके ऑर्डर सेम है उनको ऐड तो कर सकते हो बट सारी इक्वल ऑर्डर वाली को हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कि जो ए और बी है ना वो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स अब स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी ऑर्डर सेम होगा तो कभी भी वो बदल नहीं सकती तो टू क्रॉस थ्री हम नहीं ले सकते या तो टू क्रॉस टू लेंगे या थ्री क्रॉस थ्री लेंगे या फोर क्रॉस फोर लेंगे तो अगर मान लो दोनों टू क्रॉस टू हैं तो भी आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि ये कैंसिल हो रहा है आने वाली मैट्रिक्स टू क्रॉस टू की हो जाएगी तो पहला एक ही कंडीशन है तो अगर दोनों स्क्वायर मैट्रिक हैं और दोनों के ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लाई भी एग्जिस्ट करेगी और उनका ठीक है एडिशन भी एग्जिस्ट करेगा तो ऐसा एक ऑप्शन है हमारे पास कौन सा बी बट यहाँ पे यहाँ पे देखो तो हिंदी में सही लिखा हुआ है ए और बी बड़े आप भी यहाँ पे लिखा है वर्ग अब का मतलब होता है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स अब और एक समान क्रम के हैं और उनका ऑर्डर क्या है सेम है बट यहाँ पे जब ये इंग्लिश में लिख रहे थे ए एंड बी आर द टू मे सेम ऑर्डर सेम ऑर्डर नहीं ए एंड बी कैसी होनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए तो इंग्लिश में थोड़ा गलत छप गया है बट ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका क्यों सही हो जाएगा आप समझ सकते हो क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और सेम ऑर्डर की है ठीक है यहाँ पे लिखने में थोड़ा मिसप्रिंट हुआ था बाकी सब कुछ सही चल रहा था अब पे इस क्वेश्चन को समझेंगे इस क्वेश्चन में देखो भाई हमसे बोला क्या गया इस क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एक जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है आर पे दे रखा है ठीक है ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन दे रखा है और यहाँ पे हमसे क्या बोला है टी एक्स का बहुत ध्यान से समझना ये क्वेश्चन ये मैं करा भी चुका हूँ लीनियर एल्जेब्रा की क्लास में एक्स माइनस वाई एंड वाई इसका हमसे क्या पूछा है इसका हमसे पूछा है देन द रैंक ऑफ टी पूछा है रैंक ऑफ टी तो हम पहले नलिटी निकाल लेंगे देखो हमारे पास फार्मूला होता है रैंक ऑफ टी प्लस ये रैंक का साइन होता है प्लस नलिटी ऑफ टी प्लस डायमेंशन ऑफ वी बी देखो यहां से बी से मैपिंग होती है यू पे तो बी बी की डायमेंशन कितनी है दो तो बी की डायमेंशन डायमेंशन ऑफ वी तो यहां से सबसे पहले ये तो हमें दो गिवन है अब हम क्या नहीं नलेटी निकाल ले तो नलेटी के लिए ये सारे के सारे एलिमेंट कहां जाएंगे जीरो जीरो पे जाएंगे तो इसके कंपेयर इससे कर लें तो सबसे पहले बाई की वैल्यू लास्ट वाले को कंपेयर कर लिया जीरो फिर एक्स माइनस बाई इक्वल टू जीरो तो यहां से एक्स इक्वल टू बाई हो जाएगा बाई की वैल्यू पहले से ही जीरो है तो दोनों के दोनों एलिमेंट अर्थात एक्स प्लस बाई जब एक्स जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा एक्स माइनस बाई ये भी जीरो हो गया लास्ट वाला ये भी जीरो है अर्थात नलेटी

आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन को समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में बोला गया इफ द वेक्टर्स दिस दिस एंड दिस ऑफ द वेक्टर स्पेस द लीनियरली इनडिपेंडेंट कैसे दे रखे लीनियरली इनडिपेंडेंट है लीनियरली इनडिपेंडेंट है तो यहाँ पे तो x का मान ये पूछा किसके इक्वल होना चाहिए मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है क्योंकि अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट दे रखा है तो डिटर्मिनेंट को हम क्या करते हैं नॉट इक्वल टू जीरो करते हैं क्या करते हैं नॉट इक्वल टू जीरो करते हैं तो x का मान क्या होना नहीं चाहिए किसके बराबर नहीं होना चाहिए ये ऑप्शन होना चाहिए था ठीक है तो इसलिए यहाँ पे जीरो वन एक्स और दूसरा है एक्स वन और जीरो और तीसरा है वन एक्स और वन और ये नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए तभी तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा या तो यहाँ से एल डी कर दो लीनियरली डिपेंडेंट कर लो तो एक्स की वैल्यू को जीरो कर लेते हैं आइए देखो इसको चेक कर ले पहला जीरो सेकेंड नेगेटिव ये कितना हो जाएगा वन माइनस जीरो और प्लस का तीसरा एक्स ये तो कितना हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस का वन और इज इक्वल टू जीरो तो ये आ गया माइनस का वन और इसका जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यू और ये यहाँ से आ जाएगा माइनस का एक्स ठीक है ये निकल के आ चुका है तो एक्स क्यू माइनस एक्स और माइनस वन इज इक्वल टू जीरो आइए एक बार चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं है पहला जीरो तो ये कितना हो जाएगा पहला तो जीरो हो गया ठीक है वन तो अरे फिर मिस्टेक हो गया थोड़ा सा एक सेकंड अभी मैं चेक कर लेता हूँ फिर से करता हूँ तो देखो पहला तो जीरो था सेकंड माइनस में वन होता है तो माइनस में ले रहे इससे इसका करोगे भाई एक्स हो जाएगा और इससे इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था और थर्ड वाला एक्स है तो इससे इसका करेंगे एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस का वन ठीक है इक्वल टू जीरो तो यहाँ से हो गया माइनस का एक्स कितना हो गया माइनस का एक्स और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया एक्स क्यू और यहाँ से बात करूँ तो ये हो गया माइनस का एक्स इक्वल टू जीरो तो यहाँ से हो चुका है एक्स क्यू माइनस का टू एक्स इक्वल टू जीरो क्लियर अब यहाँ से एक अगर मैं एक्स की बात करूँ एक्स कॉमन निकाल दूँ तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा टू और जीरो तो एक तो एक्स की वैल्यू यहाँ से जीरो आएगी और यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट टू तो ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए थी इसकी ये नॉट इक्वल टू चल रहा है तो सब में नॉट इक्वल टू कर लेना ठीक है ये इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए थी ठीक है तब ये क्या होता लीनियरली इंडिपेंडेंट होता बट यहाँ पे इन्होंने पूछा कि एक्स का मान क्या होगा तो एक्स का मान क्या नहीं होना चाहिए वो पूछना चाहिए था ठीक है तो इसलिए यहाँ से तो वैसे सॉल्व करने पर जीरो भी आ रहा है अब कैल्कुलेशन एक बार फिर चेक कर लेते हैं भाई अगर ऐसा आया है तो देखो ये पहला जीरो सेकेंड यहाँ से इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स और ये वाला हो जाएगा जीरो ठीक है और थर्ड वाले एक्स को करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस का वन ठीक है यहाँ से करेंगे एक्स तो ये एक एक्स इक्वल टू जीरो भी तो आ रहा है एक्स एक इक्वल टू कितना आ रहा है जीरो भी आ रहा है और एक एक्स इक्ल टू प्लस माइनस टू भी आ रहा है तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन में गलत है वैसे तो क्वेश्चन इसका आंसर नन ऑफ दीज होना चाहिए था क्यों क्योंकि एक्स का मान क्या होना नहीं चाहिए क्या नहीं होना चाहिए क्वेश्चन में होना चाहिए था तो ना तो ये भी नहीं हो सकता क्यों क्योंकि यहाँ पे ये भी आ रहा है और साथ में तो जीरो भी तो आ रहा है तो एल आई के केस में या तो इसको एल डी कर लो तो इक्वल टू जीरो कर सकते हो बट एल आई है तो इसको क्या करना पड़ेगा नॉट इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा ओके नया क्वेश्चन देख लेते हैं इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा इसका आइगन वैल्यू पूछ लिया है. क्या पूछ लिया आइगन वैल्यू देखो दो चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ आइगन वैल्यू के केस में बट ये थोड़ा टिपिकल टाइप में पड़ जाएगा तो आइगन वैल्यू थोड़ा निकालने में हम डायरेक्ट निकालना मुश्किल हो जाएगा वैसे क्या होता है ये जो डायगोनल एलिमेंट होता है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ये जो आइगन वैल्यू के सम के इक्वल होता है ठीक है तो यहाँ से फिर प्रोडक्ट भी कर सकते हो तो वो चीज़ करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा इसलिए सीधे इसका करस्टेस्टिक इक्वेशन बना लो ए माइनस लेमडा ई इक्वल टू जीरो इसके डिटरमिनेंट को जीरो कर दो तो जहाँ जहाँ पे भी आपको डाइगोनल एलिमेंट दिख रहा है वहाँ से अगर आसान होता ना तो कर लेते अब इसकी कैलकुलेशन उससे ज़्यादा हो जाएगी तो माइनस वन माइनस लेमडा और जीरो 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 और ये वन माइनस लेमडा तो जो भी डाइगोनल है ना उसमें से लेमडा माइनस कर लो अब यहाँ पे ये वन माइनस लेमडा लोगे तो इसके साथ कितना आ जाएगा ध्यान से देखिएगा ये दोनों माइनस है तो इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी क्या हो जाएगी माइनस वन माइनस लेमडा की मल्टीप्लाई वन माइनस लेमडा से और क्रॉस मल्टीप्लाई में जीरो सेकेंड है भाई माइनस का टू और माइनस टू करेंगे तो ये टू वन माइनस लेमडा और इससे इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा अभी टू से निकाल लो तो कितना हो जाएगा जीरो और लास्ट वाला जीरो ही है तो ये सब कुछ हो जाएगा जीरो अब यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान से समझते हैं ये हमारा कितना है वन माइनस लेमडा और यहाँ से भी कितना है वन माइनस लेमडा तो वन माइनस लेमडा का हो जाएगा स्क्वायर और साथ में माइनस कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा वन प्लस लेमडा तो फर्स्ट वाला नहीं पड़ गया और ये टू टू जब फोर हो जाएगा माइनस का और ये है हमारा वन माइनस लेमडा इक्वल टू जीरो अभी आप एक चीज़ समझिए वन माइनस लेमडा दोनों तरफ है तो वन माइनस लेमडा को अगर मैं कॉमन निकाल लूँ तो, तो यहाँ से क्या बचेगा ये माइनस और माइनस दोनों में तो माइनस भी बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ से जो बचने वाला है यहाँ से ठीक है यहाँ से बचेगा वन प्लस लेमडा और साथ में वन माइनस वान लेमडा और वन प्लस लेमडा वन माइनस लेमडा आपको पता है कि क्या होता है वन माइनस लेमडा स्क्वायर होता है तो उसको डायरेक्ट हम लिख देंगे वन माइनस लेमडा स्क्वायर ठीक है और यहाँ से माइनस कॉमन कर लिया तो कितना बचेगा प्लस का फोर बचेगा इक्वल टू तो में कितना हो जाएगा जीरो ठीक है तो यहाँ से एक वैल्यू जो है हमारी वो लेमडा की आप समझ सकते हो कितनी आएगी वन आएगी एक वैल्यू की वन आएगी और दूसरी वैल्यू को हम यहाँ से लिख सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा वन और फोर फाइव तो स्क्वायर इक्वल टू फाइव तो यहां से लेमडा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट फाइव प्लस रूट फाइव और दूसरी वैल्यू लेमडा तो ऐसा ऑप्शन नंबर सिर्फ एक में ही दिख रहा है वन में ठीक है तो डायरेक्ट जो रूट फाइव आ रहा है ना तो ये इस तरह का क्वेश्चन मुश्किल कर जाता ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं ये क्वेश्चन देखिएगा ये क्वेश्चन तो देखो मैं आपको और समझा सकता हूँ इस क्वेश्चन में आपसे बोला क्या गया उस चीज को समझेंगे सबसे पहले पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर स्क्वायर टू आर स्क्वायर दिया हुआ है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर में देखो ना तो किसी के साथ वन ऐड होना चाहिए कांस्टेंट ऐड नहीं होना चाहिए यहाँ पे है गलत यहाँ पे है गलत एक तो स्क्वायर भी नहीं होना चाहिए था कोई फंक्शन भी नहीं होना चाहिए था क्योंकि साइन एक्स का फार्मूला खोलेंगे ना तो पावर बहुत ज़्यादा आ जाएगी साइन एक्स का फार्मूला आपने को पता है ना एक्स प्लस एक्स को वन फैक्टूअल थ्री तो इस तरह से ये भी गलत हो जाएगा तो सिर्फ यही एक लीनियर दिख रहा है तो यही इसका आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन को भी समझिएगा भाई इस क्वेश्चन में हमें क्या समझना है इसमें हमें दे रखा है कि एक मैट्रिक्स है स्टैंडर्ड ऑर्डर्ड बेसिस क्वेश्चन ऑर्डर्ड बेसिस का आ जाता है ना तो थोड़ा आसान हो जाता है तो यहां पे पहले तो हम सुनेंगे कि दिया क्या है इसमें हमें दिया है थ्री एक्स प्लस का जेड कामा माइनस का टू एक्स प्लस वाई और यहाँ पे एक कॉमा लगा के दिया है माइनस का एक्स प्लस टू बाई और प्लस का फोर जेड ये हमारे लिए दिया है फार्मूला ठीक है अब हमें आर्डर्ड बेसिस तीन के लिए क्या होगी वन जीरो जीरो ठीक है जीरो वन जीरो एंड जीरो जीरो और वन क्लियर है ये होगी ठीक है तो हम यहाँ से क्या करेंगे टी वन जीरो जीरो कर लेंगे अब इस फार्मूले में हमें क्या करना है एक्स बाई जेड की जगह ये वैल्यू लगानी होती है तो इस फार्मूले में जब भी x बाई जेड की जगह आप वैल्यू लगाएंगे तो देखो क्या आने वाला है x की जगह वन लगाना है बाकी बाई और जेड जीरो लगाना है तो पहला क्या मिल जाएगा एक्स की जगह जैसे ही वन लगाओगे तो ये थ्री हो जाएगा बाकी बाई जेड जीरो है ठीक है इधर वाले में लगाएंगे यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो ये माइनस हो जाएगा क्लियर है अगला इस वाले में लगाएंगे तीसरे वाले में तो ये बाई जेड तो जीरो है तो जो जो एक्स है ना वही आ जाएगा अब तीसरा जीरो वन जीरो इसी फार्मूले में हर नंबर में कामा में लगाते चले जाओ एक्स की वैल्यू ज़ीरो बाई की और बाई वन है जेड की वैल्यू जीरो तो पहले में देखो बाई है ही नहीं सिर्फ बाई की जगह जहाँ होगा वही मिलेगा पहला जीरो दूसरे में बाई है वन आ जाएगा तीसरे में टू बाई है तो ये टू हो जाएगा और तीसरा जीरो जीरो अगर मैं वन की बात करूँगा तो देखो जीरो ज़ीरो वन की बात करें तो एक्स कितना है एक्स जीरो बाई जीरो जेड की वैल्यू बने जेड है पहले में तो बन हो जाएगा दूसरे में जेड नहीं है जीरो और तीसरे में फोर जेड है तो ये फोर हो जाएगा अब करते हैं अगर ये स्टैंडर्ड बेसिस नहीं होता तो हमें क्या करना पड़ता बनाना पड़ता जैसे पीछे एक दो क्वेश्चन में मैंने बनाया होगा ठीक है बट यहाँ पे स्टैंडर्ड बेसिस होता है तो वहां पे जब हम मैट्रिक्स इसका बनाते हैं क्या बनाते हैं जब वहाँ पे हम इसका जो मैट्रिक्स बनाते हैं तो वहाँ पे सीधे सीधे ये जो नंबर आते हैं ना उनको हम इनसे जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज करके लिखते हैं तो इस ये आ तो रो वाइज रहा है इसको लिखना कॉलम वाइज है थ्री माइनस टू और माइनस वन जीरो वन एंड टू और वन जीरो और फोर ये इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऐसा ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड में दिख रहा है ठीक है ऐसा ऑप्शन नंबर थर्ड और ये थर्ड ही इसका करेक्ट आंसर है अगला क्वेश्चन देखते हैं ठीक है ठीके? ये क्वेश्चन देखिएगा इस क्वेश्चन को समझते हैं क्या लिखा टी इज द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए वैक्टर स्पेस वी टू अनादर वैक्टर स्पेस डब्ल्यू ठीक है अनादर वैक्टर स्पेस डब्ल्यू डायमेंशन ऑफ वी इक्वल टू फोर और डायमेंशन डब्लू फाइव है और नलटी ये दे रखकर रेंग पू पूछा है तो आपको पता है फार्मूला क्या होता है रेंग प्लस नलटी प्लस डायमेंशन ऑफ यू तो रेंग प्लस नल रैंक प्लस नलिटी प्लस डायमेंशन ऑफ बी ठीक है अब समझिएगा अब हमसे पूछा रैंक ऑफ टी तो पूछा ये तो ऐसे ही रहेगा नलिटी की बात करी तो नलिटी हमें क्वेश्चन में बंद दे रखी है और डायमेंशन ऑफ वी क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है चार दे रखा डायमेंशन ऑफ वी कितना है चार है तो ध्यान रखिएगा डब्लू वाली मत लिख दीजिएगा तो नल रैंक ऑफ टी कितना चार माइनस एक कितना बचेगा भाई तीन बचेगा तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्लियर है इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ प्लीज चैनल को लाइक कर दिया करो और सब्सक्राइब भी कर लिया करो यारो यार जिससे क्या है ना लगातार वीडियो लाता रहूँ आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को ठीक है आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डेली वीडियो अपलोड करूंगा मैं ठीक है और सारे क्वेश्चन कराऊंगा बहुत जल्दी जल्दी मतलब डेली एक वीडियो 40 -50 एक में चालीस से पचास क्वेश्चन करूँगा एक घंटे में और एक घंटे में चालीस पचास क्वेश्चन ही आप कर पाते हो और उतना मैं एक घंटे में चालीस से पचास क्वेश्चन आपको करवा दूंगा विद शॉर्ट ट्रिक और अच्छे मैथड्स के साथ देखो आपका मैथड तो आपके पास है ही अगर एक दो हो सकता है मेरा यूनिक मेथड आपको मिल जाए जिससे आप क्वेश्चन को बहुत शॉर्ट वे में निकाल सकते हो ठीक है तो इसलिए क्या है कभी किसी भी समय वीडियो को चला के देख सकते हो इसलिए ठीक है मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा बस आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ इसको शेयर करते रहिएगा और कमेंट भी नहीं करते आप लोग ठीक है तो कमेंट भी जरूर कीजिएगा जैसा भी है अच्छा है बेकार है कहाँ पे कमी है क्या दिक्कत है उन चीज़ों में सुधार किया जाए और आगे अपग्रेड किया जाए ठीक है चलो समझ लेते हैं इसको फटाफट -फड़। इसमें क्या हुआ देन द वैल्यू ऑफ़ द डिटर्मिनेंट्स बोला गया ठीक है तो सिंपली इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी सिंपली देख रहे हैं एक्स प्लस वाई जेड बाई प्लस जेड एक्स तो यही वाले अगर मैं ऐड कर लूँ इनको अगर मैं क्या कर लूँ भाई ऐड कर लूँ तो क्या हो जाएगा सी वन प्लस सी टू को ऐड कर लो यार किस में लिख दो सी वन में तो सब में देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो रहा है एक्स प्लस बाई प्लस जेड एक्स प्लस बाई प्लस जेड आप जब एग्जाम में आप करें तो एक्स प्लस बाई प्लस जेड ना लिखें क्या लिखें ये बाहर कॉमन कर लें और यहाँ पे वन 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 लिखें उससे आपका बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा ठीक है जेड एक्स और ये बाई और ये वन 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 अब देखो जैसे ही आप इसको कॉमन करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन करेंगे ये क्वेश्चन आप ओवरली भी कर सकते वन 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 और ये जेड एक्स और वाई और आप अगर पहले से ही कॉमन कर लेते इसको तो आपको वन वन दिखता तो सी वन कॉलम और सी थ्री कॉलम बोथ आर सेम और दो कॉलम या दो रो सेम हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भाई क्या हो जाती है जीरो हो जाती है तो अब इसका आंसर क्या बचा जीरो बच गया ठीक है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं देखो ये क्वेश्चन पूछा ये डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स का साइन होगा यहाँ पे छूटा हुआ है ठीक है इस तरीके से और ये हिंदी में लिखा हुआ है ठीक है ये मैट्रिक्स दे रखा है देखो आपको मैं एक चीज़ बता दूँ यहाँ पे इन्होंने क्या पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ये चीज बहुत ध्यान से समझिएगा नॉट ट्रू पूछा है नॉट ट्रू पूछा है ठीक है तो यहाँ पे देखो इन्होंने क्या बोला है कि ये जो ए अल्फा प्लस बीटा है ए बीटा प्लस अल्फा ये तो इक्वल ही आएगा भाई ये आप करके देख लो यहाँ से ये कौन सी मैट्रिक्स है आर्थोगोनल मैट्रिक्स है कौन सी मैट्रिक्स है आर्थोगोनल मैट्रिक्स है भाई और ये क्या होती है ये मल्टीप्लिकेशन के थ्रू तो क्लोजर वो सॉरी ग्रुप भी फॉर्म करती है मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ये ये जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ना ये ग्रुप फॉर्म करती है अब यार ग्रुप फॉर्म करेगी और ये अवेलियन ग्रुप भी फॉर्म करती है कौन सा ग्रुप फॉर्म करती है अवेलियन ग्रुप फॉर्म करती है तो अवेलियन ग्रुप अगर ये फॉर्म करती है तो आपको पता है ए अल्फ़ा और बीटा तो कम्यूटेटिव तो हो ही जाएगा तो ये भी सही है ये ये तो बिल्कुल सही है कि इसका मल्टीप्लाई इसी के इक्वल आता है ठीक है आप करके देखेंगे ना तो जब करेंगे तो ये एंगल क्या होते हैं जुड़ जाते हैं ठीक है एंगल जुड़ जाएंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा और ये पावर बिल्कुल ये भी सही है ये इसी के साथ आ जाती है आप करके देखेंगे बिल्कुल और ये कभी भी इनवर्स के इक्वल सेम मैट्रिक्स नहीं हो सकती क्योंकि आर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो एग्जाम्पल होता है ए इंटू ए का ट्रांसफोज ए इंटू ए का ट्रांसफोज इक्वल टू आइडेंटिटी होती है तो ए इक्वल टू अगर मैं बात करूं तो जो ट्रांसपोज होता है ना वो उसके इनवर्स के इक्वल होता है तो ट्रांसपोज उसके इनवर्स के इक्वल होता है ना कि ए अल्फा ए इन्वर्स के इक्वल हो जाएगा तो ये ऑप्शन आपने वैसे ही काट दिया आपको गलत करने की जरूरत नहीं पड़ी तो ऑप्शन नंबर इसका डी गलत हो जाएगा यही गलत है तो आंसर भी यही हो जाएगा क्योंकि इन्होंने गलत पूछा था ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं इस मैट्रिक्स का रैंक पूछा है रैंक निकालने के बहुत सारे मेथड होते हैं ठीक है थीके? बट उन मेथड्स में पहले सबसे पहले जो मेथड आप लगाया करें वो लगाया करें डिटर्मिनेंट्स वाला इसका फटाफट डिटर्मिनेंट निकाल के देख लिया करो तो जैसे वन से किया तो चार चालीस हो जाएगा और ये साक्ष बयालीस हो जाएगा माइनस के दो की बात करूँ तो बीस माइनस इक्कीस हो जाएगा और प्लस के अगर मैं चार की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा छः दूनी बारह और चार दियाँ बारह हो जाएगा ठीक है अब ये कितना बचा माइनस का दो और यहाँ से भी बच गया ये इक्कीस है तो माइनस ये प्लस का दो और ये उधर तो जीरो आ गया तो ये बच गया भाई जीरो अब जीरो बच गया तो रैंक हमारी कितनी नहीं हो सकती तीन नहीं हो सकती अब कोई सा भी टू क्रॉस टू का माइनर उठा लो मान लो मैंने यही उठा लिया टू क्रॉस टू का सब माइनर उठा लिया ठीक है तो सात दूनी चौदह और चार चौक कितना हो गया सोलह बच गया माइनस दो इज नॉट इक्वल टू जीरो तो टू क्रॉस टू की मैट्रिक्स का डिटर्मिनेट इज नॉट इक्वल टू जीरो सो तो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज टू ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं देखो लॉग वाला जहाँ भी दिखाई दे ना आप लगा दो डिटर्मिनेंट को जीरो लॉग वाले डिटामिनेंट ये डिटमिनेंट का साइन होगा अच्छा इसका डिटामिनेंट पूछा है तो आप लगा सकते हो देखो वैसे भी ये दो छः नौ और बारह आठ बारह सोलह ठीक है दस पंद्रह और बीस ठीक है तो ए पी सीरीज दिखाई दे रहा है अगर ए पी सीरीज में होता ना तो डिटरमिनेंट की वैल्यू हंड्रेड परसेंट लॉक के साथ क्या आती है जीरो आती है आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आप ऐसे ही लगा दीजिएगा आप कितने भी क्वेश्चन चेक कर लो किसी भी बुक में चेक कर लेना इसका आंसर क्या होगा जीरो ही होगा बाकी निकाल लेना आप लोग पहले देख लो ये बोला है सिंगुलर मैट्रिक्स है सिंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसका डिटर्मिनें क्या होता है भाई जीरो होता है तो इसका डिटर्मिनेंट क्या कर दीजिएगा जीरो देखो कॉन्सेप्ट में घुमा रहा है इक्वल टू जीरो करके लेमडा की वैल्यू नहीं पूछी है आपसे बोला अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तब लेमडा क्या होगा सिंगुलर मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट क्या होता है जीरो होता है तो वन यहाँ से करेंगे तो लेमडा माइनस का टेन और ये सेकेंड वाला प्लस में हो जाता है माइनस है इसलिए प्लस तो ये दो और ये चार पंजे कितना हो जाएगा बीस और प्लस का दो ठीक है तो ये चार और माइनस का चार लेमडा इक्वल टू जीरो ठीक है तो ये हो गया लेमडा माइनस टेन यहाँ से करेंगे तो बचेगा माइनस अठारह और करेंगे तो माइनस का चौवन हो जाएगा ठीक है और यहाँ से करेंगे तो ये आठ और माइनस का आठ लेमडा इक्वल टू जीरो ठीक है तो ये आठ और एक यहाँ से बता सात लेमडा अब यहाँ से कर लेते चौवन और दस चौंसठ और चौंसठ में से आठ चला जाएगा तो बचेगा छप्पन और दूसरी साइड जाके बचेगा प्लस का छप्पन तो लेमडा की वैल्यू आठ छप्पन तो माइनस का आठ जैसा कुछ दिख रहा है ठीक है ऑप्शन में है बाकी कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो कैलकुलेशन गलत हो सकती है कोई दिक्कत नहीं है उसमें क्योंकि आपको बस मेथड समझ आना चाहिए कैलकुलेशन तो खुद ही करनी पड़ेगी ना अगला इस चीज़ को समझ लेते हैं देखो यहां पे इन्होंने क्या बोला है एक्स प्लस बाई प्लस जेड इक्वल टू सिक्स है और एक्स प्लस टू बाई इक्वल टू थ्री जेड ठीक है इक्वल टू टेन है और तीसरी इक्वेशन ये है इन्होंने लिखा सॉल्यूशन अब ये अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखता है तो आपको पता है ये जो हमारा मैट्रिक्स बना है ठीक है ये जो मैट्रिक्स बना है इसमें ए और बी मतलब ए की और ए बी की दोनों की रैंक क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए और इक्वल होने के साथ साथ नंबर ऑफ अन से कम होनी चाहिए नंबर ऑफ अन से क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए नंबर ऑफ अन से लेस होनी चाहिए जैसे इसमें तीन अन है तो रैंक तीन से कम होनी चाहिए और दोनों की इक्वल होनी चाहिए ठीक है तो अब यहाँ पे बना लेते हैं तो पहले x का कॉपीसेंट वन 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 और इधर सिक्स हो जाएगा दूसरा लिखा है वन टू थ्री और इक्वल टू में कितना हो जाएगा टेन और सेकेंड में है वन टू और लेमडा और इक्वल टू में आ गया अम ठीक है सबसे पहला काम होता है ये दो जीरो बनाना इसको और इसको जीरो बनाना तो बना लेते हैं जीरो तो पहली रो में तो हमें कुछ करना नहीं है हम आर टू में से क्या कर रहे हैं आर टू में से आर वन को माइनस कर रहे हैं और आर टू में ही लिख रहे हैं तो वन से बन गया जीरो टू से बन गया टू से बन गया तो वन थ्री से बन गया टू और ये टेन से सिक्स गया तो फोर अगला यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आर थ्री में से आर टू घटा के आर थ्री में लिख देते हैं ठीक है आर वन को ही माइनस कर लो किस माइनस कर लो आर वन को ही माइनस कर लेते हैं यहाँ पे किसको माइनस करना है आर वन को ठीक है आर वन को एक को ही करा करिए तो जल्दी रिजल्ट आते हैं तो वन से बन जाएगा जीरो टू से बन जाएगा वन और ये लेमडा से बन जाएगा तो लेमडा माइनस वन और यहाँ पे जो रिजल्ट आ जाएगा देखो वहाँ पे जो चलो अभी चेक कर लेते कोई दिक्कत नहीं यहाँ से घटाएंगे तो ये हो जाएगा म्यू माइनस सिक्स ठीक है अब ये दो जीरो बन चुके हैं अब हमें क्या बनाना है इसको भी जीरो बनाना है तो इससे इसको अभी एक बार दोबारा माइनस कर दीजिएगा जब दोबारा माइनस करेंगे तो देखो क्या बनने वाला है आर थ्री से आर टू तो वन 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 और इससे ये वाला तो ऐसे ही कर दो वन सॉरी एक सेकेंड यहाँ पे क्या होने वाला है यहाँ पर होने वाला जीरो और यहाँ पे है वन और ये है टू और ये है फोर ऊपर वाली में था सिक्स अब हमें तीसरी रो में माइ करना ना तो जीरो से जीरो अच्छा जीरो से आर टू से आर थ्री को माइनस करना है तो जीरो से जीरो वन से बन गया जीरो इससे इसको घटाएंगे तो बचेगा लेमडा माइनस थ्री और इससे इसको जब घटाएंगे तो ये फिर से घट जाएगा तो ये हो जाएगा म्यू माइनस टेन क्लियर है अभी देखो दोनों का रैंक जो है दोनों का रैंक यहां पे डिपेंड कर रहा है अगर इसका रैंक इसको भी जीरो कर दें और इसको भी जीरो कर दें तो दोनों मतलब जो थ्री क्रॉस थ्री का ना वो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और थ्री क्रॉस थ्री का डिटर्मिनेंट अगर जीरो हो गया तो जो इधर ए बन रहा है ना भाई इसकी रैंक भी हमारी तीन से कम हो जाएगी और जो पूरा ए क्रॉस भी आर्गोमेंटेड मैट्रिक्स बन रहा है इसकी रैंक भी तीन से कम हो जाएगी तो ये सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है लेमडा माइनस थ्री इक्वल टू जीरो अर्थात लेमडा इक्वल टू थ्री पे हो सकता है समझ में आ गया लेमडा इक्वल टू थ्री और म्यू माइनस का टेन दे रखा है इक्वल टू ज़ीरो तो म्यू इक्वल टू टेन ठीक है जब मैं आपको लीनियर अज्ज्रा पढ़ाऊंगा या मैट्रिक्स और प्लस लीनियर अज्ज्रा दोनों पढ़ाऊंगा ना तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझा दूंगा वैसे भी अभी इसमें कुछ है नहीं क्योंकि जो अलग अलग हम ट्वेल्थ वाले मेथड से करते हैं कि डिटर्मिनेट को जीरो फिर डी वन डी टू डी थ्री या डी एक्स डी वाई डी जेड की तरह से करते हैं ना उसमें टाइम लगता है और ये होता है ना बहुत शॉर्ट वे में हो जाता है तो आपको रैंक मैथड से ही निकालना आना चाहिए तो आपका क्वेश्चन का आंसर सी आ चुका है लेमडा थ्री एंड म्यू इक्वल टू टेन इसके लिए जो सोल्यू इक्वेशन होंगी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोलूशंस रखेंगी ठीक है अगला क्वेश्चन देखिएगा इसको समझिएगा इसमें क्या बोल रखा है इसमें बोल रखा द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेट इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछिए बहुत आसान है तो कुछ जीरो तो बनने वाला है नहीं अब जीरो नहीं बनने वाला तो सीधे सीधे क्या करिएगा इसका डिटर्मिनेंट ओपन कर दीजिएगा तो माइनस वन वन से करेंगे तो ये भाई माइनस वन और ये माइनस माइनस प्लस का बाई जड और बीच में फिर माइनस तो माइनस का बाईजड क्लियर है ये फर्स्ट हो गया सेकेंड वाला ऑलरेडी निगेटिव में लिया जाता है तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का वाई ठीक है और यहां से हो जाएगा प्लस का बाई जेड ठीक है और प्लस और ये माइनस का एक्स है तीसरा तो यहां से हो जाएगा माइनस का बाई जेड और माइनस का जेड अब देख लेते हैं क्या इसकी वैल्यू आती है यहां से करेंगे तो ये प्लस का वन हो जाएगा और ये प्लस का बाई जेड यहां से करेंगे तो प्लस का एक्स बाई और इससे करेंगे तो ये माइनस का एक्स बाई जेड और ये माइनस माइनस प्लस का एक्स बाई जेड हो जाएगा और प्लस का जेड एक्स हो जाएगा एक्स बाई जेड से एक्स बाई जेड कैंसिल हो जाएगा तो वन प्लस एक्स बाई क्रम से लिख दो प्लस का वाई जेड और प्लस का जेड एक्स ये ही इसका क्या हो जाएगा रिजल्ट हो जाएगा अर्थात डी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा क्लियर समझ में आ रहा है अगला क्वेश्चन देखते हैं इस क्वेश्चन को समझिएगा यहां पर यह डिट्रिक्स का साइन होगा ये सारे ऑप्शन में मैट्रिक्स का साइन होगा ठीक है तो ये इस तरह का ये क्वेश्चन दिया हुआ है अब इसमें आपसे पूछा क्या है पहले तो हमें उसकी तरफ चलना है ठीक है इसमें शायद ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक्स थे अलग अलग लिखे हुए थे इन्होंने बोला है कि इज द सम ये जो ये सम है किसका सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इसक्यू सिमेट्रिक तो बी मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है और सी जो है वो सिमेट्रिक है तो हमें कौन सा चाहिए सिमेट्रिक चाहिए जैसे कोई भी मैट्रिक्स मैं ऐसे लिखता हूँ वन प्लस हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ ए एंड माइनस ए का ट्रांसपोज तो ये जो बारह मैट्रिक्स होती है ये सीमेट्रिक होती है और यही क्वेश्चन मैं बी दे रखा है और ये वाला जो होता है वो इसक्यू सिमेट्रिक होता है और इसक्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स इसको सी लिखा गया है ठीक है तो अब यहाँ से मुझे बात करनी बी की तो बी क्या हो जाएगा हाफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज हो जाएगा क्लियर है इतना समझ आ गया होगा तो अभी देखो मैं फटाफट -फड़ कर लेता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा और जो भी आंसर आएगा वो आपके सामने रहेगा तो देखो सबसे पहले फटाफट -फड़ मैं इसका ट्रांसपोज इधर साइड से कहीं लिख लेता हूँ तो इसका ट्रांसपोज मैं इधर लिख लेता हूं ए का ट्रांसपोज क्या आने वाला है ए का ट्रांसपोज आ जाएगा छ आठ पांच दिख रहा है ठीक है और दूसरी वाली रो जो है वो कितनी है फोर टू थ्री और थर्ड वाली है फाइव थ्री और वन क्लियर है फाइव थ्री और अरे सॉरी एक सेकेंड पहला लिख दिया था अब ये हम क्या अगर ट्रांसपोज निकाल लेते तो फोर टू और थ्री नाइन सेवन और वन अब देखो हमें इन दोनों को ऐड करना है सेम पोजीशन वालों को दो से भाग करनी तो छः और छः बारह और बारह को दो से भाग करोगे छः सेकंड आठ और चार बारह फिर छः आ जाएगा और अगला वाला नौ और पाँच चौदह दो से भाग करूँगा सात आ जाएगा आठ और चार बारह का छ हो जाएगा दो दो चार का दो हो जाएगा सात तीन दस का पाँच हो जाएगा और पाँच चार नौ पाँच चौदह का सात हो जाएगा तीन और सात का दस का पाँच आ जाएगा और ये एक और एक दो का एक आ जाएगा तो ये आंसर आने वाला है शायद ये किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है इसलिए यही वाला ऑप्शन हमारा सही होगा ठीक है सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक से गलत लिखे हुए हैं बाकी कुछ सही लिखा हुआ है ठीक है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ये देखो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है यहाँ पे इन्होंने ये बोला है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है भाई जरा ध्यान से देखेंगे टू क्रॉस थ्री इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर कितना है टू क्रॉस थ्री तो क्या टू क्रॉस थ्री और टू क्रॉस थ्री की मल्टीप्लाई पॉसिबल है ये कट ही नहीं रहे अर्थात पहले में कॉलम्स और दूसरे में रो की संख्या इक्वल है ही नहीं पहली मैट्रिक्स में कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स में अगर रो की संख्या इक्वल होगी तभी मल्टीप्लाई पॉसिबल है अदरवाइज मल्टीप्लाई ही पॉसिबल नहीं है तो ए भी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा आगे की कोई बात ही नहीं करनी हमें ठीक है जब मल्टीप्लाई पॉसिबल ही नहीं होगी तो आने वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे बता सकते हो अगला क्वेश्चन ठीक है इसको देखना भाई जरा ध्यान से यहाँ पे इन्होंने बोला ए मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास बी मैट्रिक्स गिवन है तो ए बी में यहाँ पे कुछ कंक्लूजन दे रखे हैं पहले ए और बी का हम प्रोडक्ट कर लेते हैं क्या आने वाला है ए और बी का प्रोडक्ट कर लेते हैं क्या है जीरो वन माइनस वन एंड जीरो और ये वन जीरो जीरो और वन तो इनका ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहली रो का पहले कॉलम से करेंगे भाई जीरो का जीरो से ज़ीरो और वन का जीरो से भी पहला नंबर जीरो हो गया सेकंड कॉलम सेकंड रो से करते थे जीरो और ये हो जाएगा वन थर्ड ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा और ये तो जीरो ही हो जाएगा अगले वाले से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस जीरो और ये भी जीरो तो ये निकल के आ चुका है हमारे पास ये भी ठीक है अब ए बी देखो किसके जैसा दिख रहा है ए बी दिख रहा है ए के जैसा ए बी किसके जैसा दिख रहा है ए बी दिख रहा है ए के जैसा तो एबी की वैल्यू ए आ चुकी है तो एबी की वैल्यू जीरो नहीं होगी और बी ए बी ए का इन्होंने पूछा है कि बी ए क्या होगा बी ए क्या जीरो होगा तो चलो एक बार बी ए निकाल के भी देख लेते हैं तो एबी की वैल्यू ए तो थर्ड तो सही है और एबी के साथ साथ हमें बी ए भी चेक करना पड़ेगा तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा बी रखना पड़ेगा इस बार ठीक है और ये कितना है जीरो वन माइनस वन एंड जीरो देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं ये आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिख रही है आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी क्यों नहीं थी क्योंकि ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप कहीं भी लगाओ क्या फर्क पड़ता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या किसी को बदल देगी बिल्कुल नहीं बदलने वाली आपने ए बी के साथ किया तो ए आ गया और फिर से ए बी के साथ करोगे तो फिर से कितना आ जाएगा ए आ जाएगा फिर से कितना आएगा ए ही आएगा आप करके देख लो दो पहली रोका करेंगे पहले कॉलम से तो जीरो हो गया सेकेंड से करेंगे तो वन हो गया इसका इससे करेंगे तो इसका जब इससे करेंगे तो ये माइनस वन हो गया अगले वाले से करेंगे तो जीरो हो गया फिर से कितना आ गया ए आ गया जबकि यहाँ पे बी ए इक्वल टू बी दे रखा है और बी ए इक्वल टू जीरो दे रखा है तो ये तीन ऑप्शन कट गए सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है ये ऑप्शन किसी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी क्यों नहीं थी क्योंकि ये भाई ए है और बी वाली आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी का मल्टीप्लाई आप कभी भी करोगे तो बी तो आइडेंटिटी है ना तो ए इक्वल टू आई तो हो रहा है तो ए इक्वल टू आई कितना होगा आई ए ए होगा अब मैं पहले ए रख दूं तो भी तो ए ही आएगा ना तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी सिर्फ एक ही ऑप्शन करेक्ट हो जाता अगला यहाँ पे इन्होंने पूछा क्या है नेसेसरी एंड सफिशेंट कंडीशन दैट द स्क्वायर मैट्रिक्स पोजिशन ए इनवर्स इनवर्स होने के लिए क्या होना चाहिए देखो ए इनवर्स का देखो जरा फार्मूला देखेंगे एड ज्वाइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर ये डिटर्मिनेंट जीरो हो गया किसी भी मैट्रिक्स का तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा अर्थात डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनवर्स के लिए पहली कंडीशन है कि उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए ठीक है इस मैट्रिक्स का क्या पूछ लिया गया भाई रैंक पूछ लिया तो सबसे पहला मैंने आपको बताया था फटाफट फड़ उसका क्या करिएगा देखो यहां पे अगर मैं बात करूं ऐसे तो नहीं हो पाएगा ठीक है दो तीन चार चार से नियो तो इसका फटाफट आप डिटर्मिनेंट निकाल के देख लो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो सोलह सोलहतियाँ अड़तालीस और नौ चौक छत्तीस सेकेंड वाला भाई निगेटिव है तो ये कितना हो जाएगा सोलह दूनी बत्तीस और माइनस का सोलह और माइ प्लस का वन होगा तो इससे करेंगे तो नौ दूनी अठारह और चारतियाँ बारह लग रहा है मुझे नॉट इक्वल टू जीरो आने वाला है ये बारह और यहाँ बत्तीस से बारह अगर सोलह घटाऊंगा तो सोलह सोलह बत्तीस होता तो ये माइनस का सोलह आ जाएगा और बारह से अठारह घटाऊंगा तो छः आ जाएगा अर्थात अट्ठारह माइनस सोलह ये आ गया दो और दो होता है नॉट इक्ल टू जीरो अर्थात इसकी रैंक कितनी हो जाएगी तीन हो जाएगी ठीक है बाकी कैलकुलेशन चेक कर लेना अगर डिटर्मिनेंट जीरो हो जाता है तो इसकी रैंक जो है हमारी वो आ चुकी है तीन एक बार चेक कर लेता हूँ इसकी रैंक को चलो ऐसे पता नहीं है बाकी आप यही आ रहा होगा बाकी आप चेक कर सकते हैं ठीक है तो ये हमारे जो क्वेश्चन थे ये आज की वीडियो के सारे क्वेश्चन हो चुके हैं ये क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं सारे और यहाँ पे मुझे लगता है हम्म सारे क्वेश्चन हो चुके हैं आज के एक और क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्वेश्चन क्या था हाँ मैं लिख देता हूँ ये क्वेश्चन था हमारी वीडियो में उसको समझ लीजिएगा ये क्वेश्चन था एक्स की पावर ए एंड एक्स की पावर बी ठीक है और पावर में क्या था भाई वन अपॉन ए बी इन टू एक्स की पावर बी अपॉन एक्स की पावर सी और पावर में था वन अपॉन बी सी और यहाँ पे था एक्स की पावर सी अपॉन एक्स की पावर ए कि होल पावर था वन अपॉन सी ए अब इसके इक्वल में क्या आएगा इसका रिजल्ट क्या आएगा ये आपसे पूछा गया था ये आपसे पूछा गया था कि इसका रिजल्ट क्या आएगा तो ज़रा फटाफट -फड़ देख लेते हैं अगर ये जो ए बी पावर है ना दोनों के साथ साथ अलग कर दो देखो मैं एक नंबर का करके दिखा देता हूँ अलग से करके दिखा देता हूँ ठीक है फिर आपको इसको डायरेक्ट कर लीजिएगा जैसे ये पावर वन अपॉन ए बी है तो ये दोनों के साथ तो शिफ्ट होगी ये इसकी पावर भी वन अपॉन ए भी होगी और नीचे वाले की पावर भी कितनी होगी वन अपॉन ए बी होगी तो यहाँ से देखो ए से ए कटेगा और यहाँ बी से बी कटेगा तो ऊपर एक्स की पावर क्या बचा बी बचा और नीचे एक्स की पावर वन अपॉन बी से बी गया तो ए बच गया तो ऐसे ही तो बचेगा अब यहाँ पे देख लो सीधे सीधे लिखते चले जाएंगे तो ए से ए कटेगा तो ऊपर कितना बचेगा वन अपॉन बी और नीचे क्या कटेगा बी, बी से बी कटेगा तो एक्स की पावर वन अपॉन ए सेकेंड में देखो बी से बी कटेगा तो एक्स की पावर ऊपर वन अपॉन सी बचेगा और नीचे एक्स की पावर में सी लगा हुआ है तो बी बचेगा क्लियर है ऐसे ही यहाँ पे देख लो सी से सी कटेगा तो एक्स की पावर वन अपॉन ए और नीचे यहाँ ए है तो एक्स की पावर वन अपॉन सी बचेगा तो ये सी से सी कट गया ए से ए कट गया बी से बी कट गया सब कुछ कट गया तो रिजल्ट कितना आ जाएगा वन आ जाएगा ये भी हमारी वीडियो का क्वेश्चन था टेस्ट का और कोई क्वेश्चन शेष बचा है एक क्वेश्चन और था वो क्वेश्चन ये था कि जो हमारा अवेलियन ग्रुप होते, हैं ठीक है ठीके? जो अवेलियन ग्रुप होता है ठीक है तो उसके लिए जो कंडीशन पूछेगी लीस्ट जो नॉन अवेलियन ग्रुप होता है उसमें एट लीस्ट कितने मिनिमम एलिमेंट होने चाहिए तो उसका आंसर होता है भाई छः ठीक है तो नॉन अवेलियन ग्रुप होने के लिए मिनिमम कितने एलिमेंट होने चाहिए छः एलिमेंट होने चाहिए ठीक है और कोई क्वेश्चन जो छूट रहा हो बाकी लगभग बाक मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर दिए हैं ठीक है तो आगे देख लेते हैं अब कहानी क्या है ठीक है ये समझिएगा कि पेपर अभी जो आने वाले हैं तो उसके लिए हमें अच्छे से तैयारी करनी है क्योंकि अब सीरियस हो जाओ हो सकता है आपका दो से तीन या तीन से चार महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाए ठीक है तो अब आप आपको थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई करनी है क्योंकि अब एग्जाम ये समझ लीजिएगा बहुत ज़्यादा दूर नहीं है तीन से चार महीने के अंदर एग्ज़ाम हो सकता है ठीक है अब तीन से चार महीने के अंदर अगर एग्ज़ाम हो गया तो हमें कंटिन्यू अच्छे से तैयारी करनी है जिससे कि हमारा अच्छा स्कोर आ सके क्योंकि सीट्स कम हैं तो तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से करनी पड़ेगी तो इसलिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा शेयर करे और ठीक है अच्छे कमेंट करिएगा जो भी जैसा भी हो सही बताइएगा थैंक यू थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो